Thank you.
सर्वगुणर सागर शक्तिर सागर संगम जुग रे जितले आसंते प्रत्येक पिला मन को गुणवान बनाउचंते। आज बाबा श्रीमत दोचंते प्रत्येक आत्मा भितरे जो गुण अच्छे धारण कर, गुणग्राही दृष्टि रख, आ गुणर चोर बने जाओ ना, का भितर अवगुण को देखिवा ना अवगुण को वर्णन करिवा। प्रत्येक ब्राह्मण लक्ष्य कोटा मते सतो प्रधान हवार अच्छे। जार जीवन रे किछ लक्ष्य ना, जदि आम एत ऊंचा लक्ष्य नहीं कि पढ़ुचे बाबा कहे संगम चक्र समय को नष्ट करिवान। सबुठ बड़ संपत्ति कोटा समय अटे, तो दिन जाक भितरे आमर समय को प्रकार व्यतीत होचे, सफल होचे ना नष्ट हो कौन कह बाबा को। झरमुई झगमुई कथबार्ता व्यर्थ कथबार्ता अन्यर अवगुण चिंतन दिन जाक करना केवल बाबार चिंतन बाबार गुणर चिंतन दैवी गुणर वर्णन तार कर चिंतन। आज बाबा श्रीमत दौंते पिला माने गुणग्राही हुआ। 26 मार्च 2024 रो मुरले बाबा कहे मीठे बच्चे अपनी को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो, सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। आजी बाबा फर्स्ट रू कह दले निज को आत्मिक स्वरूप रे स्थित कर, अन्य मन को आत्मिक भाई रूप रे देख, आत्मिक स्नेह रख, सतो प्रधान हवार छे तले कहा भितरे कौनसी दुर्बलता कौनसी कमजोरी मते देखिवार ना। बुद्धि नेत्र को पूरा बंद करदबा, बुद्धि बारंबार क्या को देखुचे अन्यर कमी कमजोरी, बाबा को चिंता को बंद कर, लक्ष्य को सब बड़े सामना रे रख, मते सतो प्रधान हवार अच्छे। सतो प्रधान हवारे सबुठ बड़ प्रतिबंध कोटा अन्य को देखिवाट। प्रश्न है किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो, को आधार रे बाबा ठरो पद्मों रो संपत्ति में नहीं पड़े। संपत्ति नवर आधार कोटा केमते मिली वो संपत्ति छुप्रभुने ज्ञान योग आधार हाउ सुषमा माताजी बाबा को अनुसरण करिबे। तो आज बाबा ने कहा बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। बाबा ठू पद्मर संपत्ति नवा पाए यात्रा यात्रा रे सब बड़े रहिबा, एक बाप के सिवाय सब बातें भूलते जा। जदि कौन से कथा स्मृति रे अच्छे तले याद तो निरंतर हवने, याद को निरंतर करिया पाए मूल पुरुषार्थ कौन करिबे, कहा को भी देखिबे सब जिंस को भूली जीवा, फलाना ऐसा करता है वो ऐसा है
इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो, से सेमते कर, ये एमते कर, से कौन करछे, बाबा को जो समय नष्ट हो निजर अमूल्य समय को नष्ट कर। मंजिल भारी है इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। हमरा मंजिल हमरा लक्ष्य बहुत ऊंचा अटे। को लक्ष्य नहीं कि पढ़ुंते मत सतो प्रधान हवार अच्छे। बाप के लोभ में चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। बाबा रो स्नेह रे पूरा आकर्षित है कि रह जाबा। यदि बाबा को स्नेह करिबा, बाबा को भल पाइबा, तले आउ का को देखिबा पई हृदय जीव के जीवन। बाबा को देखिले, बाबा को भल पाइले, बाबा को मन पकेले, निजर चेकिंग भी ठीक रूप रे हब। निजर चेकिंग द्वारा ताको तुरंत चेंज करिबा। आ बाबा तो पूरा संपत्ति नवार अधिकारी बने जीवा। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। मूल युक्ति यह बता रहे हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो। सतो प्रधान हवार मूल युक्ति कोटा निज को आत्मा भाविबा, अन्य को आत्मिक भाई रूप से देखिबा। मुख्य शिक्षा यह देते हैं तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। बाबा के लिए केमती कर स्नेह दरकार, देह अभिमान र स्नेह आत्मार स्थिति को तौ को आंदोज। देह अभिमान र स्नेह केत घृणारे मते परिवर्तन हो जाऊँ। देह अभिमान र स्नेह अवगुण को देखिया पे बाध्य कर। तो बाबा कहले आत्मिक स्नेह को जागृत कर। जिते आत्मिक स्नेह को बढ़ेवा से बाबा प्रति स्नेह जीव। आ सतो प्रधान हवार जो लक्ष्य से लक्ष्य स्थल में पहुँचे पारिबा। पहले तुम्हारा था लेकिन अब नहीं है। बाबा कहले पूर्वर आत्मिक स्नेह थिला केतले थिला केतले थिला सत्य जुगर एबे अच्छी के एबे नहीं। मूल वतन में होगा। बाबा को जन परम धाम रे आत्मिक स्नेह थिबो के नथिबो नथिबो से तो आत्मिक स्वरूप रे थिबे ना से स्नेह नथिबो कमलेश पे नथिबो। तो बाबा के ही वहाँ प्रेम की बात ही नहीं रहती है। आत्मा सबु जिनस ठू न्यारा अट सुख दुख ठारू न्यारा। ये सबु जाक जदि अलगा हे जीवो तले स्नेहर अनुभव केमती करियो। तो बाबा के तो बेहद का बाबा आकर शिक्षा देते हैं बच्चे। आजकल करते करते समय तो बीतता जा रहा है। आज ही चेंज हो जीवे कल ही चेंज हो जीवे एमती करी करी समय तो बीती गला। दिन मास वर्ष भी बीतता जा रहा है। दिन भी बीती गला मास भी बीती गला केते वर्ष भी बीती गला। बाबा ने बताया तुम ये लक्ष्मी नारायण थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? एमती लक्ष्मी नारायण समान आमे थिले आमको एमती बनेवा वाला किए किए बने थिले को समय रे बने थिले संगम जुगरे। तो बाबा ने तो बनाया ना। यह भी बाप ने बताया कि तुम नीचे कैसे उतरे हो। आमे इत्ते ऊंचा थिले किंतु केमिति तल को खसी गले तार रहस्य भी किए सुनाउचंते बाबा सुनाउचंते। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय तो बीतता जा रहा है। वो दिन गया मास गया
वर्ष गया और समय भी गया। कित्ते वर्ष कित्ते समय बीती गला, आत्मा पूरा तल को खसी गला। एबे मध्ये कौन करछन्ते, जेतेबेळे चढ़ीबार समय आसीगला संगम जुग, ए समयटा को बीतौछन्ते ना सफल करछन्ते। संगम जुगर समय मध्ये मूल्यवान अटे ना, ताको बीतौछन्ते ना सफल करछन्ते। ना भावुछन आज पळेला काले पळेला केते वर्ष पळेला भावुछन्ते। तो बाबा कहे तुम जानते हो ना, पहले पहले तो हम सतो प्रधान थे, हमारा आपस में बहुत लव था। जब तो देवी देवता थिले सतो प्रधान अवस्था रे थिले, सातटा गुण प्रधान अवस्था रे थिला, रूहानी प्रेम थिला। तो बाबा की बाबा ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। आज बाबा पिल्ला मन को शिक्षा दौन, को प्रकार शिक्षा दले, भाई भाई र निज भितरे बहुत आत्मिक स्नेह दरकार। देह को देखिले ना घृणा ईर्षा द्वेष आसे, जदि आत्मा को देखिबा, आत्मार ओरिजिनल गुण को देखिले, तार संस्कार को देखिले, से आत्मार पहचान हो गला, से मध्य परमात्मा संतान अटे। निजर भाई प्रति आम के घृणा भाव रखिपर कि बाबा को निज दृष्टि को चेंज कर, जो देहिक स्वरूप देखुले एवं चेंज करवा कौटा रूप से, मु आत्मा अटे से मोर आत्मा रूपक भाई अटे, सेमती दृष्टिकोण जामर के अभ्यास दरकार ना ना। तो बाबा की मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता। आज बाबा कुछ मु प्रत्येक आत्मार पिता अटे, मुझे तो धरापृष्ठ को ओह्लुचे पिला मान के जत्न सहित संभाल करछे। बाबा जमती संभाल करछन्ते, दुनिया रे कौन से शरीरधारी करिपरिबे कि करिपरिबे। सकाळु राति पर्यंत बाबा श्रीमत दल, प्रत्येक सेकेंड श्रीमत, प्रत्येक संकल्पर श्रीमत। एमती को बापा दुनिया रे मध्य के बुझेबे कि बुझे पारे। तो बाबा कहे कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ, तुमको तमो प्रधान से शतो प्रधान बना देता हूँ। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ना, कौन सा लक्ष्य है, सतो प्रधान बनने के। समझते हो जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में भी आते जाएंगे। सतो प्रधान अवस्था रे पहुंच जीवा तार लक्षण कोटा, निरंतर खुशी रो अवस्था आसीजीव, हर्षित मुक्त आसीजीव, खुशी आसीजीव। सेतेबेले जानिबा कोटि पहुंची गले सतो प्रधान अवस्था रे। हम सतो प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। बाबा हमको मन पके दो चनकोटे, जेत सत्य युग रे थिले भाई भाई रो स्नेह थिला, बाबा को प्रकार स्थिति थिला। आउ थरे जदि सतो प्रधान हवार अछे, देवी देवता बनेबार अछे, तले आत्मिक स्नेह को जागृत कर। तो बाबा के अब बाबा द्वारा हमको पता पड़ा है, हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते हैं। इन देवताओं की और हेविन की बहुत महिमा है, देवी देवता मन कर और स्वर्गर बहुत महिमा अच्छे। कौरूप महिमा करते सर्वगुण संपन्न सोला कला संपूर्ण। तो बाबा के तुम भी तो हेविन के रहवासी थे ना, आम पिला मैंने भी कौटि थिले स्वर्गर निवासी थिले। आमर पिता ही हेवेनली गॉड फादर, जे स्वर्गर रचयिता अटंते, से पिला मन को तो संपत्ति मिली जीवन ना।
वो संपत्ति मिलेब स्वर्गर संपत्ति। फिर आजकल करते करते नीचे भी आते गए। सत्य युग ठरु जदि कली युग पर्यंत देखिबा समय बीती बीती गला आउ आत्मा इति ऊंचा स्थिति रो वर्तमान कोठी अच्छे पूरा तल को खसी गला। तो बाबा की एक तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष ही रहा है। एक 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 सत्य युगर आरंभ ठारो 5000 वर्ष रे आउ मात्र बहुत कम समय अच्छे आ बहुत समय बीती गला। तो बाबा के शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो वो सब बुद्धि में है। मो आत्मा सत्यर आरंभ ठारो कलिजुगर अंत पर्यंत केमिति अभिनय करी करी आसिले सबु बुद्धि रे अच्छे के अच्छे। तो बाबा के अब देह अभिमान होने के कारण एक दो में वो प्यार नहीं रहा। देहर अभिमान रे जेतो आसी गले देही को स्वरूप रे जेतो देखु चंते से आत्मिक स्नेह आम भीतर रोचे के देह को देखले कौन देखा जाउछ शत्रु मित्र ये सब जाक भाव देखा जाउछे ना। तो बाबा की एक दो की खामिया निकालते रहते हो। देह अभिमान बसबूल जड़े अन्य जन अवगुण को एक देखुं कल किए देखी देख ना कहीं अवगुण को देखी अवगुण वर्णना कर मन भितर भी अवगुण ना एमती पूरा सप्ताह जाक चेकिंग कले कार अवगुण विषय वर्णना करना ना करे करना हटकिले सप्ताह पर्यंत का कथा है ना अंर अवगुण को क्या सामने शुणे ना पूरा सप्ताह सेमती कटिचे आमर कटिनि। तो बाबा को देख के चेकिंग दरकार संगम जुगर बहुत समय बीती गला आ कम समय का अच्छे मुझे गुणवान होबी तो समय जदि अवगुण को देखिले अवगुण एनर्जी मो भर आसीगला जे छाड़ापी चेष्टा करण करदे आ मो भर तो फुल हो गला ना एमती कि बाबार पिला मैंने अच्छा कि जार अवगुण क्या जना का ना निज भर कौटा अच्छे जानते ना जदि अंर अवगुण को देखिले निजर स्थित कौन हम अवगुण भंडार हो जा। इसलिए बाबा कहते फलाना ऐसा है जब देही अभिमानी थे ऐसे किसकी खामियां तो नहीं निकालते थे। ये तो देवी देवता मैंने अन्यर कमजोरी कहते कि कहते कौन कि आम कौन कर कमी कमजोरी सुनाऊंटे। तो बाबा के आपस में तो बहुत प्यार था अब फिर वही अवस्था धारण करना है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते देही को दृष्टि रे देखुचंते आ निज भितर कौन हो लड़ाई झगड़ा चल आ भितर अवगुण ता भितर अवगुण। तो बाबा की फिर ये बंद कैसे हो ये अवगुण देखिवार जो नेत्र बाबा को जन केमिति बंद हो बंद करिवार इच्छा अच्छे ना नहीं केमती बंद हम कौन कले बंद हम। तो बाबा के यह भी बाबा समझाते कि बच्चे तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे। बाबा को मने पकोचंते मो आत्मा केमती थिले पूज्य थिले सतो प्रधान थिले देवी देवता थिले आ देवी देवता मने अवगुण को देखिवे शोभा पाउचे के शोभा पाऊने। तो बाबा की फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तो तमो प्रधान बने हो तुम कितने मीठे थे अब फिर ऐसा मीठा बनो। बाबा को जन केमिति पूरा संपूर्ण मीठा थिले आउ थे सेमते बनी बार अच्छे।
तुम सुखदाई थे लेकिन अब दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देते काम कटारी चलाने लगे हो। आमे ही सुखदाई थिले तापर दुखदाई बनी गले। रावण रो राजुती भितरे जणे जण को काम बिकर वसीभूत करके दुख देके चलचंदे। तो बाबा की जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी तो नहीं चलाते थे ना। सतो प्रधान अवस्था रे कौन से विकार थिले कि संपूर्ण निर्विकारी थिले। तुम्हारी पांच विकार कितने शत्रु है? तले आत्मार शत्रु किए पांच विकार अठ। कौन से मनुष्य किए कौन से मनुष्य का ना आज मनुष्य को शत्रु बोले के तले भावुचंद देह को देखिवा कारण। इसलिए बाबा के ये तो विकारी दुनिया है ना, यह भी तुम जानते हो। राम राज्य किसको कहा जाता है? राम राज्य रो गायन कोटा राम राज्य कहा को कहवा सत्ययुग कहवा राम राज्य केमती थिला? राम राजा राम प्रजा राम साहू का बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार। रामंकर राज्य रे राजा प्रजा साहूकार समस्ते राम समान थिला। एक धर्म एक भाषा थिला। तो बाबा के देखो ये तो विकारी दुनिया है। रावण राज्य उसको कहा जाता है। आजकल करते करते सत्युग त्रेता द्वापर भी पूरा हुआ। आज काली करी करे समय बीती बीती गला। सत्य त्रेतिया द्वापर एवं कौटि पहुँची गले कलीयुगर अंत समय रे। कलयुग भी पूरा होने वाला है। कलीयुग मध्य पूरा हवा को जाऊचे। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है। रूहानी खुशी हरेवर कारण कोटे आत्मा सतो प्रधान रो तमो प्रधान है। सतो प्रधान रो निशानी कोटे खुशी रो अवस्था आसीजीव। तो बाबा की आयु भी तुम्हारी छोटी होगी। तमो प्रधानता कारण रो शरीर रो आयुष्य मध्य छोटो ही गला। अब मैं आया हूँ तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। बाबा को जो जो आसीचे आत्मा मन को सतो प्रधान तो निश्चित रूप से बने। आम बनवा कि बाबा तो बनवाई आसुद आम बनवा कि आम तो निश्चित रूप से बनवा दरकार। तुमने ही तो बुलाया है ना कि पतित पावन आओ। तो बाबा समझाते 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता तभी मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने वाला उपाय कोटे निज को आत्मा भाभी के शिव बाबा को मन पकेवा। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएगी। जितने बाबा को मन पकेवा सती निज भीतर जहाँ भी कमजोरी अच्छे सब जगह बाहर ही जीव केमती बाहर जीव। बाबा को मन पकेले केमती बाहर मन पकेले बाहर से कमजोरी सब। तो बाबा कुछ मत निरंतर मन पकेले रियलाइजेशन हम निज भीतर कोटा कमी अच्छे कोटा कमजोरी अच्छे रियलाइज कले तो ताको चेंज करिवे ना। जो पर्यंत अनुभव का करना मो भीतर भूल अच्छे ताको चेंज केमती करिवे। इसलिए बाबा कि तुम जब सतो प्रधान थे तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थे। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। सतो प्रधान अवस्था रे कौन से कमी का नहीं और निजो का में कौन कहते देवी देवता कहते। अब वो खामियां कैसे निकले? आत्मा को ही तो अशांति होती है ना। तले अशांति का कहो आत्मा को हो।
अब अपनी जांच करनी है हम अशांत क्यों बन। बाबा कहले निजे निजे को चेकिंग कर मो आत्मा अशांति कौन पे हेले तार कारण कोटे। तो बाबा की जब हम भाई भाई थे तो हमारा तो बहुत प्रेम था ना, देही को दृष्टिकोण कारण रज अशांत हो गल। जब आत्मिक स्वरूप अवस्था रे थिले आत्मिक स्नेह थिला, अब फिर वही बाबा आया है कहते ही अपनी को आत्मा भाई भाई समझो। आउ थे बाबा परमधाम रासीगले आ पिला मन को कौन कहते आत्मा स्वरूप रे भाई भाई बोले भाव, एक दो से प्रेम रखो, जणे जण के सहित स्नेह रखिबा। रखुचंते के आमे रखुचंते का प्रति घृणा भाव द्वेष ईर्ष्या भाव का प्रति चलने न चलचे चलचे न चलने। हाँ बाबा कुछन देख आत्मार पाठक पूरा पक्का ना, इसलिए बाबा की देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो तो बाबा की थे तुम अपना पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। बाबा को जन कहा को देखिबा किछ आवश्यकता नहीं, निजे निजर पुरुषार्थ करो मु आत्मा के केमते उच्च पद पाइबे। तुम जानते ही हो ना हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया था। बाबा हमको एमिति संपत्ति दे थिले आत्मा पूरा भरपूर ही जाय थिला, अब फिर बाबा आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चलकर फिर से वर्षा ले लेवे। यदि बाबा आउथरे आसते पिला मन को संपत्ति दबा पाई तले संपत्ति नवा दरकार ना, संपत्ति केमते मिलिबो। बाबा जोटा कहउछन्ते तको पावन कले, तो बाबा के हम ही देवता थे फिर 84 जन्म लिए। मन पड़छे आमे कौन थिले पूर्वरु देवी देवता थिले, एबे कोठे अछन्ते 84 जन्म पर साधारण मनुष्य बनी गले। तो मीठी मीठी बच्चे कितने अडोल थे बाबा मन पके दौन मैंने जो सृष्टिर आरंभ समय थिला मोर मीठा मीठा पिला मैंने पूरा अडोल स्थिति वाला थिला। एबे कौन हो स्थिति आमर के टिके कौन कहीदे मुड़ा फुले दौन ने से मत कौन पे एमती कहला तेम स्थिति तो हलचल हो गल ना। तो बाबा के देखो कोई भी मतभेद नहीं था, सीटे कौन से प्रकार मतभेद का ना, किसकी निंदा आदि भी नहीं करते थे। कार निंदा करवा कार चुगली करवा इटा देवी देवता मैंने करनुले, अभी तो कुछ ना कुछ कमियां है वह सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई है, एक बाप को ही याद करना है। अजी बाबा पूरा पक्का करोचन को दृष्टि रख आत्मा स्वरूप रे भाई भाई रो दृष्टि आत्मिक स्वरूप रे स्थित ले बाबा रे याद मध्य आसीब। ये ओना लगा हुआ हो हम शतो प्रधान बन जाए। बाबा के लिए संगम जुग रे गोटे चिंता रख कोटा मु आत्मा केमते शतो प्रधान हेबे, फलाना ऐसा है इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना है। सी सेमती कुर्ची ये एमती कुर्ची बाबा को जो सबूजे को भूली जाओ। बाबा कहते ये सब छोड़ो अपने को आत्मा समझो। बाबा को जने सबूजे को छाड़ निजो को आत्मा बोले भाव। जदि किए कह को सी सेमती कुर्ची ये एमती कुर्ची सीटे कहीपर कि ये सब छाड़ आमको शुणवार ना कौन आम शुणुं बसिक कौन कर कि जो अवगुण वर्णना करें कौन करना गोटे थर मना कर दी थर मना कर आठ थर को शुणब कि शुणापे आसबन आए शुणु सी तो निश्चित रूप से शुणब एक जदि शुणिले निजर बुद्धि खराब है से बुद्धि बाबा याद आसबे कि। तो बाबा के देखो बाबा तो कहते सब छोड़ो अपनी को आत्मा समझो, अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से अवगुण देखा जाता है,
अवगुण देखापी के आसे जो देह विमान आसते अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करो, भाई भाई को देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। बाबा कहले आत्मिक स्वरूप देखिले सब जगह गुणा का देखा जीव, सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, निजे गुणवान हवा और समस्त को गुणवान बनेवा। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे समझा जाता ये तो तमो व रजो प्रधान है तो जरूर उनकी चाल भी ऐसी होगी। यदि कि उल्टा सुल्टा किसी भी करे सी कौन भाविबा दरकार, ए आत्मार अवस्था हूँ रजो तम प्रधान अवस्था, तार चाली चलन भी से प्रकार हम ना ताको देखिकी मो आत्मा हलचल रे जाऊे। इसलिए बाबा की सबसे जास्ती गुण किसमें है, सबुठ अधिक गुण क्या भितर अच्छे, क्या भितर अच्छे ये संसार भितर सबुठ अधिक गुणवान किए बाप में है ना। तो बाबा की बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। यदि बाबा भीतर ही सब गुण अच्छे, बाबा सबुथे परफेक्ट, तेल क्या देखा बाबा को देखा आउ सब जगह छाड़ देवा दरकार। अवगुण छोड़ो और गुण को धारण करो। बाबा कितना गुणवान बनाता, तुम कहते है ना तुम बच्चों को मेरे समान गुणवान बनना है। बाप तो सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बाबा आसुंच निज समान पिला मन को गुणवान बनया, जमती बाबा सुखर सागर आम पिला मने भी बाप समान सुखदाई बनी जीवा। बस यह फुरना रहे हमको सतो प्रधान बनना है। और कोई बातें सुनो ना ग्लानी करो। बाबा कहले गोटे चिंता रख मो आत्मा केमती सतो प्रधान है, ना कहार कथा सुन ना कहार निंदा कर। तो बाबा की सब में कोई ना कोई खामी है, खामी ऐसी भी है जो कि समझ मान ना सके। बाबा कहले एमती कौन से मनीष नाई जा भितर कौन से कमी कमजोरी ना, समस्त भितर किछि ना किछि कमजोरी अच्छे, किए भी तो संपूर्ण है ना। तो बाबा की खामी ऐसी है जो कोई समझ भी ना सके। एमती निज भितर अवगुण अच्छे, से अवगुण कौटा अच्छे से बुझी पारना। तो बाबा की दूसरे समस्त इनमें खामी है, निज भितर कमी अच्छे तार समझ जाकर ना, किंतु अन्य मैंने देखले कौन कौन आ भितर केते कमी कमजोरी अच्छे। तो बाबा की वो अपने को बहुत अच्छा समझते है, जा भितर कमी अच्छे से कौन भावुचे मु बहुत भल अटे। तो बाबा की परंतु कहा ना कहाँ उल्टा बोल तो निकल ही पड़ता है। यदि किए देखे मु सबुठ भल अच्छे, यदि भितरटा खराब ही थे कौन हम उल्टा शब्द उल्टा कथबार्ता उल्टा चालीचलन तो निश्चित रूप से देखा जीव। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती है। जो मैंने सतो प्रधान अवस्था रे पहुँची जीवे से मानक मुखर उल्टा सुल्टा शब्द ही बाहर तेल आम कौटे अच्छे सतो प्रधान अवस्था रे पहुँची चंते कि तो बाबा की सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती है। यहाँ खामियाँ है परंतु ना समझने के कारण अपनी को मियाँ मिठू समझ बैठे हैं। ये समस्त भितर कमी अच्छे, से कमीटा को न जानवा कारण भावुंच मो भर सब जाक भल अच्छे, निज को मियाँ मिठू भाविक चलुंते। तो बाबा कि मियाँ मिठू कौन है, सबुठ बड़ ज्ञानी जहाँ भितर कौन सी कमी नाई से प्रकृत किए बाबा कि एक में ही हूँ जो तुम सबको मिठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। बाबा कहले मु सारा संसार भितर सबुठ बड़ ज्ञानी अटे आ मुत आसुचे पा मान को निज सामान मीठा बनवाई सब अवगुण आदि छोड़ दो, अपनी नब्ज भी देखो हम कितनी मीठी मीठी रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं।
निजर अवस्था को चेकिंग करिबा निजर स्थिति को देखिबा मोर मीठा बाबा को मु केते प्यार से तो मने पकोच केते मन पकोचंते केते मन पकोचन बहुत ना कम बहुत मन पकोचंते कितना खुद समझता हूँ औरों को समझाता हूँ केती की बाबा को मन पकोचे केती की बाबार ज्ञान को निजे बुझुचे अन्य मन को बुझोचे देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। बाबा के लिए टिके भी जदि देह अभिमान आसीगला किसी भी फायदा हबनि। मूल बात तो यह समझानी है कि दुनिया तो तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। अब तो 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने हो। अब फिर से सतो प्रधान बनना है। हम ही देवी देवता थे सतो प्रधान अवस्था रे 84 जन्मर चक्र रे आसिले पूरा तमो प्रधान हो गल। आउ थे सतो प्रधान हबार अच्छे का हबार अच्छे हमको बनेबार अच्छे। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं तो सतो प्रधान भी तो वही बनेंगे ना। और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते हैं। सतयुग में कोई धर्म होता भी नहीं तो बाबा कहते तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो और फिर से बनो। बाबा के लिए अनेक थर आम ही तमो प्रधान रो सतो प्रधान है चंदे तले आम को ही आउ थे बनवार अच्छे मुस्किल अच्छे कि जो काम को बारंबार करथिवा सेटा तो कष्ट का ना। तो बाबा की श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो। यह ओना चाहिए पाप सिर पर तो बहुत है। हमरो मुंडो ऊपर तो 63 जन्मर पाप अच्छे केमती से पापर मु आत्मा मुक्त हेबे पूरा सतो प्रधान हेबे तार चिंता रखिबा। और बाप ने अभी तो सुजाग किया है ना। आगर जानू थे मो भितर एति की पाप अच्छे कि बाबा को जानला पर जागृत हो गल मो आत्मा भितर केते जन्मर पाप अच्छे। देवताओं के आगे जाकर कहते हम विकारी है क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है। देवी देवता मानकर मूर्ति सामने जाके कौचन कौन कौचन थे आप सर्वगुण संपन्न दयारस सागर किंतु निज को कौन कौचन थे मखल कपटी नीच पापी अटे। तो बाबा की देवताओं में पवित्रता की कशिश होती है। देवी देवता मन के भीतर पवित्रतार आकर्षण अच्छे चाहे सेटा यादगार मूर्ति हो से मूर्ति भीतर भी से पवित्रता आकर्षण करछे। इसलिए उनके आगे जाकर कहते और घर जाकर भूल जाते हैं। भक्ति रामे मध्य कौन करथले समझिया कहथले ना देवी देवता मन के महिमा करथले और निज को कहथले मु तो पादर धूली अटे मु तो दास मात्र अटे। भावुले यहाँ महिमा अट बाबा को एमती महिमा करथले आउे घर को गले भूली जाऊले। तो बाबा की देवताओं के आगे जाते तो अपने से घृणा आती है। देवी देवता मूर्ति सामना रे निज प्रति घृणा भाव आसे केमती उच्च अटंते आम केमती नीच अटंते किंतु घर को आसला परे से घृणा भाव निज प्रति रोचे कि रोचे से पतित मान को संग्रे आसिक समस्त अवगुण देखा को लगे। तो बाबा की देखो घर में जाते तो कुछ घृणा नहीं है ख्याल भी नहीं करते इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है। एमती देवी देवता बने वाला किए तर चिंतन भी चालू नहीं। अब बाबा की थी देवता बनना है यह पढ़ाई जरूर पढ़ो। बाबा के लिए जदि चाहूचो देवी देवता हवा पाए तले मोर पाठ प्रत्येक दिन पढ़ श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले तो बाप कहते अपने को सतो प्रधान बनाना है। इसलिए माँ में कम याद करो और कोई झरमुई झगमुई नहीं करो। पूरा सतो प्रधान हवार अच्छे दिन सारा निरंतर बाबा को मन पकेवा आ दिन सारा एपट सेपट र कथबार्ता हवान झरमुई झगमुई र कथबार्ता हवान। आज पूरा बाबा पक्का कर दे ना।
तो बाबा की अपनी ही ओना रखो, हमको ये बनना है। बाबा के लिए गोटे चिंता रख, मत बनवार अच्छे। जमती दुनिया रो एक्टर माने भी कौन कर अन्यर एक्टिंग को देखिकी निजर एक्टिंग को खराब करना सबूक ध्यान निजर क्यारेक्टर उपर रोचे निजर एक्टिंग उपर रोचे कारण सामने ऑडियंस देखुंते सेमती बाबा को जन सृष्टि रूपक रंगमंच प्रत्येक एक्टर निज निजर एक्टिंग करमें कौन कर एक्टिंग को देखिकी निजर एक्टिंग को खराब कर दौंते तो बाबा को से एक्टिंग रो हिसाब हमको क्या दबार अच्छे जब खेल शेष ही क्या दबा हिसाब किताब बाबा को दबार अच्छे ना ना से कह बाबा ता कारण एमती करदे कह बाबा क्षमा देवे कले तो मुका ना इसलिए बाबा कहते तुम्ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे फिर कहाँ गए आम ही से देवी देवता धर्म वाला थे एवं सब कौटी अच्छे इनके ही 84 जन्म की कहानी तो लिखी हुई है ना अब हमको ऐसा बनना है दैवी गुण भी धारण करना है भाई भाई समझकर बाप को याद करना है बाप से वर्षा लेना है बुद्धि में आना चाहिए निंदा स्तुति तो करते ही आते हैं बाबा को जो बहु जन्म पर्यंत निंदा स्तुति करी तो आसिले एबे मध्य जदि से आका करिवा तले देवी देवता केमते हवा वास्तव में स्तुति तो है भी नहीं सिर्फ निंदा ही की है बाबा को जन प्रत्येक जन्म रे प्रशंसा करी ना कि सब कौन करथिले भगवान कर मध्य निंदा एका करथिले जोड़ा को महिमा बोली भावुथिले ता स्तुति नथिला सेटा निंदा एका थिला जिनकी एक तरफ स्तुति करते उनकी दूसरी तरफ निंदा करते क्योंकि जानते भी नहीं एक तरफ बाबा की महिमा करते और दूसरी तरफ क्या कहते सर्वव्यापी है से सर्वव्यापी को भावुले मु भगवान कर महिमा कर तो बाबा की ठीकर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हो जितना कर्ण कर्ण भीतरे भगवान को रखीदले पत्थर ठिकर रखीदे से पूरा प्रत्येक आत्मार बुद्धि भगवान ठार विपरीत हो गल बेमुख हो गला विनाश काली विपरीत बेमुख बुद्धि विनाशंती और विनाश काली प्रीत सन्मुख बुद्धि विजयंती आज बाबा के लिए विनाश समय रे भगवान ठार विपरीत बुद्धि बेमुख बुद्धि से मनकर विनाश प्राप्त कहब आ विनाश काल रे जदि भगवान का प्रति प्रीत बुद्धि रखिले सम्मुख बुद्धि रखिले सेठी तो विजय निश्चित अटे जितना हो सके कोशिश करनी है कौन सी कोशिश करनी है जिते परिवा चेष्टा करिवा कोथि पे बाबा को याद करने की आगे भी याद करते थे परंतु वो व्यभिचार याद था भक्तिर मध्य भगवान को मन पकाउले किंतु व्यभिचारी रूप अनेक रूप से मन पकेले बहुतों को याद करते थे अब बाबा कहते अव्यभिचारी याद में रहो सिर्फ माँ में कम याद करो भक्ति मार्ग का ढेर चित्र है जिनको तुम याद करते ही आए हो भक्ति मार्ग रे कितने सब मूर्ति अच्छे कितने सब चित्र अच्छे से अनेक चित्र को मन पक आसिले किंतु संगम युग चेष्टा कर एक बाबा को मन पकड़ापे अब फिर सतो प्रधान बनना है वहाँ भक्ति मार्ग है भी नहीं जो याद करना पड़े से सतो प्रधान अवस्था रे भक्ति मार्ग का ना जेकोसी देवी देवता को मन पकेवा निजे ही से देव स्वरूप रे थे से भगवान को मन पकेवे कि मन पकेवे ने तो बाबा की ते फुरना तो यह रखो हम सतो प्रधान कैसे बने बाबा कहले संगम युग रे समस्ते निश्चिंत सम्राट किन्तु गोटे चिंता रख को चिंता रखिबा मत किंतु सतो प्रधान हवार अच्छे ज्ञान मिल गया ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो तो सहज है ना अच्छा कोई मुख से नहीं भी समझा सकते परंतु बुद्धि में तो जरूर आता है ना सृष्टि चक्र ज्ञान पूरा सहज अटे
किए जदि मुख द्वारा क्या बुझे पारना कि बुद्धि तो बुझुंट ना कौन बुझुं मु आत्मा 84 जन्मर चक्र भितर केमती आसे सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने अब फिर से सतो प्रधान बनना जरूर है। अगर कोई बोल नहीं सकता तो कहेंगे अपनी तकदीर है। बाबा ये सुंदर नॉलेज दौरान जदि क्या आम शुणे पारानी बुझे पारानी से बाबा कौन कहे सीटा तार भाग्य अटे। तो बाबा तो कहते भाभी भी है, बाप ने बहुत सहज उपाय बताया, बेज पर समझाना सहज है। समस्ते बेज आज पिंधि ना पिंधना कौन मैंने पिंधि ना हाथ टेकिले देखिले मंगलसूत्रटा को पिंधि ना आमर मंगलसूत्र कौटा बेज अट। बाबा कहे जो बेज अच्छे बेज उपर क्या बुझे पारे बेज कार चित्र अच्छे शिव बाबार चित्र अच्छे ना संपत्तिर चित्र अच्छे। तो बाबा की तो बेहद का बाप है, इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते सो तो जरूर यहाँ ही तो करेंगे ना। शिव जयंती माना ही स्वर्ग की जयंती है। शिवंकर जन्मदिन शिवंकर जयंती तार अर्थ हो बाबा आसुंती कौन पे स्वर्ग को तैयारी करिया पे स्वर्गर मध्य जयंती। स्वर्ग में देवी देवताएं है वो फिर कैसे बने एवं तो मनुष्य मैंने अच्छे स्वर्ग देवी देवता मैंने थे से मैंने केमती बनले किए बनईदे देवी देवता को समय रे बनले संगम युग। तो बाबा कहे वो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने तुम बच्चों को भी समझ मिली है फिर औरों को भी समझ देनी है। तुम्हारा सहज ज्ञान सहज योग और सहज वर्षा है। बाबा कहले मोर ज्ञान भी सहज योग भी सहज मोर संपत्ति भी पूरा सहज अटे परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है। बाबा को जो मो दाता बसीचे एमती भी पिला मैंने अच्छा जो मैंने बाबा ठू पाई पैसार संपत्ति नवा वाला एमती किए बस ये ना बाबा पाखर केमती संपत्ति नवा हाँ बाबा के पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। पद्मर संपत्ति नवा वाला बस पाई पैसार संपत्ति नवा वाला बस सारा मदार किसके ऊपर है पूरा मदार कौटी रहा बाबा को मन पकेबा सत्ययुगर पद केमती निर्धार्य हम आमर पाठ पढ़ा द्वारा। तो बाबा की पढ़ाई पर है याद की यात्रा से सब बातें भूल जाओ जिते याद यात्रा रे तत्पर रहिबा सबु जिनस को भूली जीवा जदि मन रखा तो बाबार याद का निरंतर रही पारे फलाना ऐसा है वो ऐसा है इसमें टाइम वेस्ट ना करो दिन जाक समय केमते नष्ट हो सी सेमती कर ये एमती कर बाबा को तुमर कौन है निज को देखु कि मु कौन करती अगर चिंतन कल से समय नष्ट मंजिल तो बहुत भारी है। सतो प्रधान बनने में ही माया विघ्न डालती है मायार विघ्न कौटे पड़छे सतो प्रधान बनवार सतो प्रधान बनुंच केमती यादर यात्रा द्वारा आघ्न कौटे पड़छे यादर यात्रा रे पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ता है मूल्य सुनले बुद्धि एपट सेपट हो टे जदि बाबर याद रे बसते बुद्धि घुरुचे ना ना तो विघ्न पड़ला कौटे यादर यात्रा रे। तो बाबा कितने अपने को देखो हमारा कितना लोभ है निज निजर अवस्था को चेकिंग करवा मोर बाबा प्रति केतिके स्नेह अच्छे जदि स्नेह अच्छे तेल याद केतिके हवा दरकार बहुत हवा दरकार ना। तो बाबा की लव ऐसा हो जो बाप से ही चटके रहो बाबा प्रति एते स्नेह रहिबा दरकार जेमते बाबा प्रति पूरा आकर्षण चटके कि बाबा सहित तो रहिबा एमती कर स्नेह अच्छे बाबा प्रति अच्छे। तो बाबा की सिखलाने वाला बाप है ना
इनकी आत्मा तो नहीं सिखाती है, यह भी तो सीखती है ना। शिखेवा वाले तो शिव बाबा अटंते, ब्रह्मांकर आत्मा ये सीखो नांते, से भी तो शिव बाबा ठर सीखुचंते। अब बाबा हमको कितना समझदार बनाता है, ऊंचे ते ऊंच तो आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो, सबुठर ऊंचा होचंते बाबा। ये मनुष्य सृष्टि रे सबुठर ऊंचा भी किए बनोचंते बाबा बनोचंते। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए, बाबा को निजर अंतर भितरे एमती बाबार महिमा कर। बाबा आप कितनी कमाल करते हो, एमती महिमा के भी करचंते कौन कहे बाबा को, बाबा आपण कितना कमाल करचंते, इति ऊंचा ऊंचा बाबा एमती आत्मा को मध्य निज समान ऊंचा बनाई दौंते। आत्मा मैंने को रूप रे अच्छा तम प्रधान रूप रे ना, से आत्मा मन को बाबा निजर करते एते ऊंचा ऊंचा बनाऊंते, तो बाबार कमाल तो अटे ना। तो बाबा की देखो बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, मामिकम याद करो, खुशी से करो। बाबा को जो मठर संपत्ति निय मत निरंतर मन पका कि मजबूरी सहित ना, हाँ बाध्यता मूलक बाबा तो कहते मत याद करार अच्छे ना बाबा, कि खुशी सहित कर, खुशी सहित करले निरंतर हो पार, मजबूरी रे कले के समय करी ना। तो बाबा की अपने से पूछना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं दिन जाक भीतर मु के समय बाबा को मन पकोच, निज को पचार के पचारे आंसर कौन आस भर केते समय हो तो सावित्री बोनी। फिर बाबा की खुशी जैसी खुराक नहीं है ना, बाबा को याद कर ले तो खुशी ऐसे जीव आ, खुशी समान तो खाद्य का नहीं, तो बाबा से मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर में नहीं रहती है। जाको इतने समय खोजू थे यदि से परमात्मा मते मिली गले, प्रत्येक दिन जदि मते पाठ भी पढ़ुचंते सकाळ राति पर्यंत पावना भी करचंते, तार खुशी जति की रहिबा दरकार सेति की बाबा देखु नांत पिल्ला मान को भीतर नाही अछि ना नै अछि। तो बाबा की थी नहीं तो विवेक केता बहुत खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम ये राजा बनने वाले हैं, तो बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाता है। बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठकर तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाता है, पढ़ेवा वाला के सुप्रीम बाबा अटंत, सुप्रीम टीचर अटंत, से बसे प्रत्येक दिन पढ़ोचंत। एमिति बाबा दयार सागर जे प्रत्येक दिन पिला मन को नुआ नुआ कथा सुनाउछन, एबे पिल्ला मन को बुद्धि रे कौन अच्छे। तो बाबा की अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें है जो और कोई के बुद्धि में नहीं है। हम बुद्धि रे सब नुआ नुआ कथा सब अच्छे, किंतु दुनिया रे कहार बुद्धि रे, ए सृष्टि चक्र रो ज्ञान आका ना, सृष्टि रो रचयिता से परमात्मा को ज्ञान ना। तले ए जो संगम युग रो समय केते मूल्यवान समय अटे, जोटे भगवान आमको मिलीगले से प्रत्येक दिन आमको पढ़ोचंते। तो बाबा को जन भितरे महिमा को गायन करवा दरकार, जितकी महिमा गायन करवा से बाबार याद आसव और से खुशी स्थिति रही पार। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा आज बाबा कौन कहले सुन ली मुरली सब ध्यान रे, आज बाबा कौन कहते आज बाबा टिके पक्का कर देचन, पिला मैंने अवगुण को देखियार टाइम ना, द्वापर जुगटु तो अवगुण देखी देखी आसल, जी देख लो अवगुण फुल हो गल, एवं गोटे जन्म तो गुण गाई दृष्टि रख, गुण चोर हो
आ कि चोरा हो किंतु समस्त भितर गुण को चोरी कर जदि 90 अवगुण अच्छे गोटेटा भल गुण तो थी ना एमती कौन सी आत्मा ना जहाँ भितर गोटे भी गुण ना बाबा कहे से गोटे गुण को देख से गुणर चिंतन कर निजर दृष्टि तो ठीक रहा निजर बुद्धि तो स्वच्छ रहा आ से बुद्धि बाबार याद आसे तो बाबा ने कहा देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है, किसी की भी खमियां नहीं निकालनी है, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, मत भेद में नहीं आना। अजय धारण कौन करीब देही अभिमानी अवस्था को धारण करीब जिते पार मु आत्माटे से आत्मिक स्वरूप स्थित हवा आत्म अभिमानी बनी जीवा तेबे अन्य मन को हमें सुख दे पार जदि टिके भी देह अभिमान अवस्था अच्छे तले देह अभिमान द्वारा जन को हमें दुख आका दवा किसी की भी खामियां नहीं निकालनी है बाबा कहले किए भी परिपूर्ण नहांते दुनिया रे परफेक्ट बोले भगवान आका अटन समस्त भितर किसी ना कि कमी अच्छे से कमी कहार कर देखने फिर बाबा के आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना निज भितर पूरा समस्ते स्नेह भितर रखा मतभेद आसवानी सब बातों को छोड़कर एक बाप से गुण ग्रहण करो दिन सारा जो चिंतन चली था कौटा ये एमती करे सी सेमती करे बाबा कुछ छाड़ एवं निरंतर केमती बाबा को मन पकेबे बाबाठ गुण को ग्रहण करे तार चिंता रख सतो प्रधान बनने का फुरना रखना है किसी भी बात ना सुननी है ना ग्लानी करनी है मियाँ मिठू नहीं बनना है आज बाबा पूरा पक्का कर पाने सतो प्रधान हवार चिंता रख कहार कथा शुणवनी कहार निंदा करनी आ निज को मियाँ मिठू बोली भावन मो भर सब भल अच्छे मो पूरा ठीक रूप से चलुचे बाबा कहते के भावन एवं पर्यटन आम कमजोरी संपूर्ण रूप से नष्ट आज का वरदान समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव आज बाबा आशीर्वाद दे को आशीर्वाद दे सब विजयी श्रेष्ठ आत्मा है जा को प्रकार हवा जो सच्चे राजयोगी है वो कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते जो मैंने पक्का राजयोगी सच्चा राजयोगी आत्मा ही थी वे जो मैंने कौन सी परिस्थिति रे केबे भी विचलित हेबे नहीं तो अपने को समी प्रमाण इस रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो बाबा को जो निज को चेकिंग कर मु राजयोगी की जदि समय अनुसार निज को चेंज कर देले ताले ठीक अच्छे जदि चेकिंग करके जदि हमें चेंज कले तार अर्थ हमें राजयोगी आकर नुहते तो बाबा के सिर्फ चेक करेंगे तो क्या होगा खाली निजर अवस्था को हमें चेकिंग कर मो भर कौटा कौटा कमी अच्छे ताले कौन हम दिल सिकस तो हो जाएंगे एटा कमी अच्छे सेटा कमी अच्छे दुर्बल ही जीवा तो बाबा की सोचेंगे हमारे में यह कमी है पता नहीं ठीक होगा या नहीं मो भर कमी कमजोरी अच्छे ये कमी ठीक हम ना नहीं बारंबार जब चेकिंग करेंगे एमती चिंतन चलिए इसलिए चेक करो चेंज कर दो क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है निजर अवस्था को चेकिंग करले तुरंत ताको परिवर्तन कर दबा जो मैंने समय प्रमाण कर्तव्य करते से मानकर विजय मध्य सुनिश्चित अटे इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर वन में आ जाओ सदा काल पे विजयी बनवा श्रेष्ठ आत्मा बनी जीवा आ निजर तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आम नंबर वन रे आसी परिवा आजर स्लोगान होचे मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकेंड में विदेही बन सकेंगे।
जमी आजिकल मनीष मैने शरीरटा को विभिन्न पोज रे चेंज कर दौन मान सेमती बाबा कहले आमर मानसिक स्थिति को सेमती करवा दरकार गोटे सेकेंड रे जो स्थिति चाहूंते से स्थितर धारण करपर कि आम चाहे विदेही स्वरूप स्थित हाँपाई ना अशरी स्थित स्थित करने ना फरिस्ता स्वरूप स्थित हाँपाई गोटे सेकेंड रे किए कर जार मन बुद्धि कंट्रोल अच्छे आत्मार अर्डर प्रमाण जदि मन बुद्धि चलुचे तेल से मन बुद्धि को गोटे सेकेंड रे जो स्थिति रे रखा को चाहिए से स्थित कर आज सोमान होचे मैं विजयी श्रेष्ठ आत्मा हूँ सार थिला अपने को आत्मा भाई भाई समझो एक दो से रूहानी प्रेम रखो सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। आज पूरा बाबा पक्का कर पॉइंट रे कहार कमी कमजोरी देखनी ताको बारंबार चिंतन करनी तार वर्णना का पाखे करनी जदि करुच निदर बुद्धिटा को अस्वच्छ कर दौच से बुद्धि रे बाबा रहिबे कि तापर कोचन भोनी कौन करबी जोगवा का लागुने पर ज्ञान सहज अटे किंतु याद बाबा पाखे लागुन दिन जाक केमती कटेल चाट कौन थी कौन कहते निजे निजे तो ठीक आंसर आसे ना आ कथा होतली ता कथा होतली ता कथा होतली से पुराणा कथा मन पकाउतली तो बाबा को सब जाक जो चिंतन करिवे सबुठ पवित्र सबुठ शुद्ध बाबा याद आसीबे कि आसीपरिबे तो से ध्यान देवा दरकार आज बाबा कहते गुण को देखला के गुणवान हम अगर अवगुण को देखले गुणवान अव्यक्त इशारा आज आम अव्यक्त इशारा को पॉइंट सुनवा कभी भी कोई सेवा उदास करे डगमग करे हलचल में लाए वो सेवा नहीं है आम बाबार सेवा करने निमित्त अच्छा जदि से सेवार जदि आमको उदासी आसे आमर स्थिति जदि हलचल होचे आमे डगमगरे आसे बाबा को से सेवा न करिबा भल सेटा सेवा लिस्ट बाबा रखुना सेवा तो उड़ाने वाली है सेवा तो बेगमपुर का वासा बनाने वाली है सेवा द्वारा आमर स्थिति उड़ी पारिब सेवा द्वारा बेगमपुर सम्राट हो पारिबा बेपरवा वासा बेगमपुर के वासा जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है जो मैं निश्चिंत सम्राट हो पछरे सफलता ऑटोमेटिक आसीज आप सुख दाता के सुख स्वरूप आत्मा हो सुख के सागर बाप के बच्चे हो तो सदा इस स्मृति में रहना हमें को प्रकार आत्मा अटंते सुख दातार सुख स्वरूप आत्मा मान सुखर सागर बाबार संतान मान तले आमर कर्तव्य कौटे समस्त को सुख दबाट निश्चिंत सम्राट हवाट बाबा को जन ताको स्मृति रे रख एमती कौन सी सेवा करनी जो सेवा आमर स्थिति को हलचल कर दब ओम शांति समस्त को रंगर पर्व होली पाई बहुत बहुत अभिनंदन 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 होली आसिले समस्त को मन पड़ जाए ना आज दुनिया भितर होली को केमते पावन कर एक तो होलिका दहन कर द्वितीय जड़े जनक सहित तो मंगल मिलन मनैबे तृतीय जड़े जन को रंग लगेबे चतुर्थ कृष्ण राधाकर सुंदर झांकी बने के पूरा नगर सारा परिभ्रमण करमती रूपरेखा होली मनाऊंटे ना कि होली रा आध्यात्मिक रहस्य कौटा बाबा को स्पष्ट रूप से बुझे दे प्रत्येक पर्व पर्वाणी भितर समस्ते चाहते मु समस्त अलग देखा किंतु गोटे होली पर्व रे समस्ते गोटे समान हो जाते निजे भी रंग लगे थे अन्य मान को कौन करेंगे सेमती रंगीन बनईदे
जमी गोटे सामान चेहरा समस्त देखा जाए यहाँ कार निशानी अटे सामानतर निशानी अटे तो ये परमात्मा कहते जी देहर अभिमान जोटा अवस्था ताकू प्रथम भूल देहर अभिमान अवस्था द्वारा अगर अवगुण को एक देखुंते ना ताकू भूल दरकार ये देहर स्वरूप को भूली गले आम आत्मिक स्वरूप स्थित हो गल आत्मार स्वरूप भितर समस्त भितर सामानता आसीगला आत्मिक रूप से जदि क्या देखुंते सहित गुणग्राही दृष्टि भी रहा मंगल मिलन मध्य बन पार आत्मिक दृष्टि रखिले बाबार संग मध्य प्राप्त हे आबार संग्र रंग मध्य आत्मा को लगला होली रे कौन कर भांग सब पी था ना सेमती बाबार संग परमात्मा संग जो आत्मा को मिली जाऊचे से नारायण नशा ईश्वरीय नशा भितर दुनिया सब जिनस को सी भूली जाऊे बाबा को प्रकृत होली अटे निजक बाबार रंग रे बाबार गुणर रंग रे निजक भरपूर करद कि परमात्मा संग्र प्राप्ति ता पूर्वर होलिका दहन दरकार होलिका दहन कथा भी तो शुणी ना हिरण्यकश्यपर भी होलिका आु किए थे भक्त प्रहलाद थे होलिका को वरदान मिलता से अग्नि किसी भी करनी तो हिरण्यकश्यप कौन कर कोल निजर पु को बसई होलिका भाविले मु तो जलिबी कितु प्रहलाद जलीजी किंतु है उल्टा एका कौन सी वरदान को जो उल्टा काम लगे तार फल तो उल्टा एका हम भक्त प्रहलाद बंचीगले कितु होलिकार नाश हो गए सबूक संगम जुगर यादगार अटे आज प्रत्येक मनीष निजर देहिक स्वरूप परिचय एका दौ हिरण्यकश्यप मान कौटा देहिक परिचय अटे वस्तुवादी परिचय अटे होलिका मान विकार परिचय अटे समस्ते आजिकल भावुंते ना मोर पोस्ट पोजिशन एटा मोर ना एटा मु साहुकार अटे मु धनी अटे ये सब अभिमान भितर एक रोचन किंतु जो आत्मा ए समय रे परमात्मा को परिचय पाईगला परमात्मा को याद रे रोचे से आत्मा विकार अग्नि ठारू भी निजक बंचे दौचे कौन पे बाबार संग भितर आत्मा आसीगला ताले होली रो प्रकृत अर्थ कौटा होली माने पवित्रता अटे बाबा होचन परम पवित्र पवित्रतार सागर अटन से सागर संस्पर्श रे जो भी आत्मा आसुचे जिते तम प्रधान हो जिते भी पापी आत्मा हो किंतु परमात्मा संग द्वारा से आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाऊ किंतु बाबा कहले मोर हवा पूर्वर प्रथम कौन कर निजर पुराणा स्वभाव संस्कार विकारी संस्कार सबूक जाली दियो होली पूर्व दिन कौन कर होलिका दहन जी पुराणा सब कंटिल गच पुराणा वस्तु थोड़ा सबूक आणिक जाली दिं सेमती बाबा कहले मो सहित मंगल मलन बनवा पूर्वर निज भितर अवगुण अशुद्धता अपवित्रता को प्रथम नष्ट कर तेबे जे कि बाबा सहित मंगल मिलन मन पार होली आउट अर्थ कौटा बाप की होली माने हो गल बाबार बनीगली ईश्वरीय परिवार हो गले पूर्वर केमती परिवार थिला लौकिक परिवार थिला ना एवं ईश्वरीय परिवार को आसीगले से परिवार स्नेह भितर निजक जोड़ीदेवा होली रा आउट अर्थ कौटा बीती सो बिंदु जोटा बीतीगला सेटा बीतीगला तार चिंतन आका ना जदि पुराणा कौन सी कथा भी चिंतन रे आणुचंते तार अर्थ वर्तमान आम ठीक रूप से केबे भी जीवन तले ए रूप से जदि आम होली पालन करिबा तले यथार्थ रूप से होली हे पड़ किंतु आज मनुष मैंने कौन कर जड़े जन को रंग लगे देले प्रकृत होली हो गला कि पुराणा कथा को भूलुंते कि पुराणा कथा तो एवं बुद्धि अच्छे गोटे दिन उमंग उच्चार आसवे भले सबूक जिनस भूलीगले तापर दिन से कथा ही बुद्धि आसो ना पुराणा कथा को भूलुंते ना पुराणा व्यवहार को केवे भूलुं एमती भी तो दुनिया कौन ना तू रंग देखेदेलु केमती रंग देखेदेले
कौन सी नील लाल रंग तो देखे ना ना जो व्यवहार कथा वार्ता तार रंग क्या देखे दौंते दुनिया रे दीटा रंग सब प्रसिद्ध अटे गोटे हूँ कला गोटे हूँ धला आगर सब पूर्व गाँव में जो किए भूल कम करूला कौन कर मुहरे कला बुलिकी चारे बुलाऊ देवी देवता मान को देखी फरिस्ता मान को देखी चारिपटे गोटे धलार ओरा अच्छे धला हूँ शुद्धता पवित्रतार प्रतीकटे आला हूँ आसुरी वृत्ति अशुद्धतार प्रतीकटे कि प्रत्येक रंग जोटा देखा से रंग हूँ आत्मार गुणर प्रतीकटे आत्मा जदि बाबार संग्रे आसिके निजको गुणवान बनईदेव दैवी गुणर धारणा करदेव तेल देवी देवता सामान हो पार एमती भी कौन ये समय रे कृष्ण राधा को जे झांकी रे देखिव से स्वर्गवासी हो वैकुंठपुरी को पलेब देखीदे पलेब कि दर्शन करार अर्थ गोटे जानवाट से मैंने किए थे भितर को गुण थिला से गुण को जदि जीवन रे धारण करवा तमें स्वर्ग को जापर ते प्रकृत होली केमती बनवा बाबा कुछ मोर संग्रे आसिकी मोर सबुजाक गुणर रंग जमती आत्मा को लग जाओ सतटा गुणर प्रतीक हूँ सतटा रंग अटे क्या क्या जना छाटे सतटा गुण आत्मार कौटा सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद शक्ति ज्ञान ये सतटा गुण सतटा रंग प्रतीक अटे तेल सुख सुखर कलर कौटा क्या भी जोड़ा ने हलदिया हूँ सुखर कलर अटे शांतिर कलर कौटा शांतिर कलर कौटा आकाशी नील अटे ग्रीन जोटा कौन ग्रीन रलर कौटा शक्ति ज्ञान अटे आनंद रोटे बायोनी कलर अटे पवित्रतार कौटे नारंगी कलर अटे शक्ति हूँ लाल प्रतीकट ये सबुजाक हूँ आत्मार गोटे गोटे गुणर प्रतीकट जदि आत्मा संपूर्ण पवित्र हो गला कौन धला भितर सबुजाक रंग मिसिकी अच्छे से संपूर्ण पवित्रता द्वारा सबुजाक गुण को आम जीवन रे धारण करिपर कि दुनिया से यादगार स्वरूप आज केमतिकार रंग सब खेलुंच एमतिकार केमिकल रंग खेलुंते जे शरीर मध्य खराब हो गवर्नमेंट भी कौन कौन जबरदस्त क्या कलर लगाओन से कलर आमर शरीर को मध्य क्षतिकारक कर आध्यात्मिक जो ज्ञान प्रतीक रूप से जदि होली को पालन करवा प्रकृत होली हो पार तेल बाबा कौन कही होली रे होली माने पवित्र होली माने बाबार हो गली होली माने पुराणा कथा को बिंदु लगे देले आ क्वेश्चन मार्क करिवार नाय सबुजाक विश्व कल्याणकारी रूप है कि पुराणा कथा को पूरा भूलिवा आग को बढ़िवा होली माने आउ कौन अच्छे संपूर्ण पवित्र है कि बाबार हो गले ईश्वरीय परिवार हो गले एमतिकार होली आज आम समस्ते पालन कर समस्त आउ थे होली बहुत बहुत अभिनंदन 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 टिके बाबा को मन पकेबा बाबा तो पवित्रतार सागर अटंती ना बाबा तो पवित्रतार किरण आनिबा आत्मा भितर सब गुणर रंग को भरपूर करदेबा तापर समस्ते होली टीका नहीं कि जीवा ओम शांति।